तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का अच्छे एवं संपूर्ण शिक्षा देने के एकमात्र स्थान अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हम बात कर रहे थे एग्जाम सीरीज मिशन 2023 के बारे में, जहां पर बच्चों मैंने आपका अध्याय एक बहुपद स्टार्ट कर चुका था। बहुपद हमने अध्याय एक में एक नंबर वाले क्वेश्चन पर बात कर लिए थे, हमने भाग एक पर बात कर लिए। आज की इस क्लास में मैं बात करने वाला हूं अध्याय एक का बहुपद का पार्ट टू के बारे में बात करूंगा, जहां पर दो नंबर वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। तो देख लीजिए बच्चों, ये हमारा खूबसूरत सा पोस्टर दिख रहा है, जहां पर हम चला रहे हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा मिशन 2023, और मैं पढ़ा रहा हूं आपको कक्षा 10वीं का विषय गणित। तो चूक न जाना, अच्छे अंक पाना, इस बार परीक्षा में टॉप कर जाना है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बात करने वाले हैं आपका अध्याय एक बहुपद का पार्ट टू, और यहां पर हम कैसे क्वेश्चन को डील करने वाले हैं, पीवाईक्यूस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे तो बोलने की जरूरत नहीं है, जो मैं क्वेश्चन कराता हूं वे सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं, मैं बेकार तो क्वेश्चन कराता ही नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ही मैं फोकस करता हूं। और हम बात करेंगे क्विक रिवीजन पर, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना, हम साथ में क्विक रिवीजन भी कर लेंगे, क्योंकि अलग से मैं रिवीजन करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। भाई आपके पास टाइम कितना बचा है, नहीं बताओ ना, टाइम कितना बचा है, 30 दिन। 30 दिन में अगर आप पूरा पढ़ने लग जाओगे तो आपके पास गणित बस थोड़ी है भाई, सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो हम क्विक रिवीजन करने, फटाफट रिवीजन कर लेंगे एकदम, ठीक है। चलो तो मैं आपका जरा से भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा मैं क्वेश्चन पर आना चाहूंगा, और यहां पर आपको खूबसूरत से सजाया गया एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो कि छत्तीसगढ़ 2022 सेट ए में, कब, इसी साल 2022 में, 2022 सेट ए में पूछा गया था, और इसी प्रकार का जो क्वेश्चन है वो सेट बी में और सेट सी में भी पूछा गया था। तो हम सारे क्वेश्चन को तो नहीं करेंगे, हम कंसेप्ट को सीखेंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। आ जाओ, चलो मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूं। देखो, बोलता है कि निम्नलिखित में जांचिए कि क्या g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है, और g ऑफ x की वैल्यू दे दी गई है, g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3, p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 6 प्लस x प्लस 6 है। ऐसा हमें g ऑफ x की वैल्यू दी गई है और p ऑफ x की वैल्यू दे दी गई है। अब देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वो दो नंबर के लिए भी पूछ सकता है, तीन नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है। तो हम अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, राइटिंग स्किल मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका सही होता है ना, तो चेक करने वाला एकदम आपको, आपके राइटिंग को देखकर, आपके रिप्रेजेंट को देखकर आपको पूरे में पूरा नंबर देते हैं। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, कैसे इसको सॉल्यूशन लिखेंगे कि पूरे में पूरा नंबर मिल जाए, अब हम इस पर बात करने वाले। आ जाओ, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं अपने बोर्ड को दो भागों में बांट देना चाहूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो दो नंबर के लिए आया है, तो थोड़ा सा तो लंबा बनेगा भी, जाहिर सी बात है, थोड़ा सा तो लंबा बनेगा ही, ठीक है। आ जाओ, तो बोला क्या है कि g ऑफ x जो है वो p ऑफ x का एक गुणनखंड होगा। कब के केस में होगा, कब के केस में होगा, अगर मैं g ऑफ x को जीरो के बराबर लूंगा, वहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, x का जो भी मान आएगा उसे p ऑफ x में रखूंगा, p ऑफ x का मान यदि जीरो आ जाएगा तो g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है, यदि p ऑफ x का मान जीरो के बराबर नहीं होता है, तो g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड नहीं होगा। आ जाओ, आज आप बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, टाइम नहीं हमारे पास, सॉल्व करते हैं फटाफट, ये हो जाएगा हल। चलो, अब स्टार्टिंग कहां से करेंगे, देखो यहां पर बोला गया जांचना है, जांचना है ना, चलो जांच देते हैं। तो ये हो जाएगा g ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, मैंने कहा है कि g ऑफ x को जीरो के बराबर लो और वहां से x की वैल्यू निकालो। तो यहां पर g ऑफ x की वैल्यू क्या दी गई है, x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो, तो x का मुझे मान निकालना, x बराबर ऋण 3 को मैं पक्षांतर करूंगा तो यह बदल जाएगा धन 3 में, और धन को लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो x बराबर मुझे मिल चुका है 3, एक से बराबर क्या मिल चुका, 3 मिल चुका। अब हम आगे क्या करेंगे, तो मैंने कहा है कि एक से बराबर 3 आप कहां पर रख दोगे, p ऑफ x में रख दोगे। आ जाओ यह देख लो क्या हो जाएगा, एक से बराबर 3, एक से बराबर 3 किसमें रखेंगे, p ऑफ x में, p ऑफ x में रखने पर कई बच्चे, कई एकदम होशियार बच्चे क्या करेंगे, g ऑफ x में रख देंगे, g ऑफ x में रख देंगे और यहां पर 3 रख देंगे और यहां पर माइनस 3 दिया होगा, तो g ऑफ x इज इक्वल टू निकाल देंगे 3, क्या निकाल देगा, 3 निकाल देगा। ऐसा नहीं करना भैया, भैया कौन सिखा रहा आपको, मैं तो ऐसा नहीं सिखाता, ऐसा नहीं करना है। तो x बराबर 3 p ऑफ x में रखने पर, चलो रख देते हैं, चलो रखो, क्या इंतजार कर रहा, मैं इंतजार नहीं करना, रखना भाई स्टार्ट करो, चलो आ जाओ।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलो मैं एक बार पी ऑफ एक्स को उतार लेता हूँ। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स प्लस प्लस एक्स प्लस सिक्स है, ठीक है। चलो कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलना है, बार बार बोल रहा हूँ, पेन और कॉपी, मैं जब पढ़ा रहा हूं तो पेन और कॉपी आपके सामने होना चाहिए। अगर आप पढ़ने वाली जगह पर बैठोगे, अगर कहीं और इसको चलते हुए गाड़ी में सफर करते हुए देख रहे हो तो तब की बात अलग है, लेकिन आप पढ़ने वाली जगह पर बैठे हो तो कॉपी और पेन ये बिल्कुल आपके सामने में होना चाहिए, और जो मैं लिख रहा हूं वो पूरा का पूरा आपको भी लिखना है, ठीक। चलो आ जाओ, तो मैंने बोला है कि एक से बराबर तीन यहां पर चिपका दो, चिपका देते हैं, आ जाओ सर। तो ये हो जाएगा पी, एक्स की वैल्यू रखोगे तीन, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स का मान क्या रखेंगे, एक से बराबर तीन। चलो ये हो जाएगा तीन की घात तीन माइनस फोर एक्स की घात दो, एक्स का मान रखना तीन की घात दो, एक्स की वैल्यू रखेंगे तीन, धन हो जाएगा ये छह। चलो इसको कैलकुलेट करो, तो तीन की घात तीन, कई बच्चे करने वाले हैं, तीन गुना तीन बराबर नौ, सर नौ आएगा, कौन सिखा रहा है, नहीं कौन सिखा रहा है बताओगे, कौन सिखाता है ऐसा, ऐसा नहीं करना है। तीन की घात तीन है मतलब कि इस आधार का आधार के साथ ही कितने बार करेंगे गुणा, जितना पावर में दिया गया जितना घात में दिया गया, तो आधार का आधार के साथ ही मैं करूंगा तीन बार गुणा। तीन बार गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि घात में दिया गया तीन, न कि यह करेंगे, यह कहिए तो खत्म खत्म, आप ऐसा नहीं करना, ये करना है, ठीक है। तो तीन का गुणा करेंगे तीन से ही, तो ये हो जाएगा तीन, दो तीन का गुणा करूंगा नौ, नौ का फिर गुणा करूंगा तीन से, तो ये हो जाएगा सत्ताईस। फिर इसको पहले तो यहां से मिटाता हूं, यहां से पहले मिटाता हूं, चलो हाँ देखो ये भी आ गया ना, इसको मिटाता हूं, हाँ आ जाओ। फिर इसके बारे ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो, तीन की घात दो, तीन की घात दो, कई बच्चे ऐसा करने वाले, तीन गुना दो बराबर छह, फिर से वही गलती, अरे यार गलती नहीं करना ना, तीन की घात दो है तो आधार का आधार के साथ ही करना है गुणा दो बार, तो तीन ये हो जाएगा नौ, नौ का गुणा करेंगे चार से, तो ये हो जाएगा नौ चौक छत्तीस, तीन और छह को जोड़ दो, ये हो जाएगा नौ, कितना हो जाएगा नौ हो जाएगा, ऐसे करना है, घात को अच्छे से पढ़ना है, कक्षा छठवीं का सवाल है वो। चलो आ जाओ अब क्या करेंगे, तो देखो सत्ताईस और नौ को मैं जोड़ देता हूँ, ये हो जाएगा छत्तीस, और इन छत्तीस पहले से बैठा हुआ है, तो छत्तीस और छत्तीस कैंसिल हो गया, तो हमें P ऑफ थ्री इज इक्वल टू मिल चुका है जीरो। और मैंने कहा था कि अगर P ऑफ x की वैल्यू, P ऑफ x की वैल्यू है ना, x की जगह हमने तीन रख दिया, तो P ऑफ x की जो वैल्यू है वो हमें जीरो मिल चुका है, अतः g ऑफ x P ऑफ x का एक गुणनखंड है। अब ये लाइन लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ये लाइन लिखना भूले तो आपके नंबर कटे, तो लिखना तो बिल्कुल नहीं बनना है। तो यहां पर हम लिखेंगे अतः जी ऑफ एक्स, अतः जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है, ये है हमारा फाइनल आंसर। लास्ट में लिखना है एंस करके, ये अगर ऐसा लिखे तो दो में से दो, तीन नंबर के लिए पूछेंगे तो तीन में से तीन नंबर आपको मिलने वाले, एक नंबर नहीं कटेंगे। चलो अब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे। यदि x माइनस वन बहुपद p ऑफ x इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री का एक गुणनखंड है, तो k का मान निकालना है, k का मान निकालना भैया, k का मान, आ जाओ k का मान कैसे निकालते हैं आपको सिखाता हूं, आ जाओ। चलो तो हम यहां पर लिखेंगे सबसे पहले हल कैसे करेंगे, चलो बोला गया है कि x माइनस वन जो है बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड है, तो यहां पर बोला गया है चूंकि देखो मैं लिखना स्टार्ट कर दिया अपने आंसर, चूंकि x माइनस वन जो है बहुपद कौन सा p ऑफ x का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है, चूंकि x माइनस एक जो है बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड है, इसलिए हम क्या करेंगे, x माइनस वन को ही जीरो के बराबर ले लेंगे, और यहां से x बराबर मैंने निकाल लिया एक, देख लीजिए x बराबर आ चुका है एक। अब x बराबर एक को हम करेंगे क्या, तो x बराबर अब एक को हम करेंगे क्या, ये मुद्दा आ गया, हमारा मुद्दा क्या है, x बराबर एक का हम करेंगे क्या, कुछ नहीं करना, यहां पर रख देना है। तो देखो मैं यहां पर रखूंगा x की जगह एक रखूंगा, x की जगह मैंने रखा एक, और इसी को मैं जीरो के बराबर ले लेता हूं, क्योंकि मुझे k का मान निकालना है। यहां पर मैं क्या किया, x बराबर रखा एक, और इसको मैंने जीरो के बराबर ले लिया, क्योंकि मुझे k का मान निकालना है। आ जाओ तो k x स्क्वायर, k की जगह क्या रखोगे, x की x रखोगे, k की जगह k रखोगे,
एक्स की जगह एक रखोगे तो ये हो जाएगा एक की घात दो माइनस फाइव, एक्स की जगह रखोगे एक, धन हो जाएगा तीन, बराबर के बाद क्या है जीरो, जीरो लिख देते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो एक की घात दो, एक का एक से कितने बार भी गुणा करोगे एक ही आएगा। अब उस एक का गुणा कैसे करोगे तो आपको मिलेगा के माइनस पांच का गुणा करोगे एक से तो पांच हो जाएगा, ये धन तीन अपनी जगह पर लिखा जाएगा, बराबर ये हो जाएगा जीरो। तो ये हो जाएगा के, देखो हम पांच में तीन घटाएंगे क्योंकि पांच बड़ी संख्या है और तीन छोटी संख्या है, तो पांच में तीन घटाएंगे तो मिलेगा दो, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, पांच के सामने में कौन सा चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है, तो हमें मिल जाएगा ऋण दो बराबर जीरो। के का मान निकालना है तो के बराबर ये हो जाएगा दो, मैंने दो को पक्षांतर कर दिया, अतः के बराबर हमें मिल चुका दो। और के का ही मान तो हमें पूछा गया था ना, के का मान ही तो निकालना है। आ जाओ लास्ट लाइन अपने आंसर को लिखेंगे, लिखेंगे कैसे, मुद्दा यह है तो लिखेंगे कैसे, अतः अतः के बराबर, अतः के बराबर दो है, यह है हमारा फाइनल आंसर, यह है हमारा फाइनल आंसर, के बराबर आ चुका दो। कुछ नहीं रखा इस क्वेश्चन में, तीन से चार लाइन का ये क्वेश्चन है, एक मिनट का क्वेश्चन है, एक मिनट में आपको दो नंबर मिलने वाला है, देखो कितने फायदे का सौदा मत होने वाला है। चलिए हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न क्रमांक तीन, प्रश्न क्रमांक तीन क्या बोलता है, और ये आया हुआ है छत्तीसगढ़ 2017 सेट बी, सेट बी, सेट ए और सेट सी, तीनों में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। देख लो कब का आया है, पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज करा रहा हूं मैं। निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल और गुणनफल, दिमाग ठनका, इस प्रकार के क्वेश्चन हमने कर लिया है एक नंबर वाले क्वेश्चन में। मैंने बोला था, उस क्वेश्चन ने बोला था कि ऐसा जो क्वेश्चन है वो एक नंबर में भी आते हैं, दो नंबर में भी आते हैं और तीन नंबर में भी आते हैं। एक नंबर के लिए हमने इसको सॉल्व कर लिया, अब ये क्वेश्चन दो नंबर के लिए आएंगे या फिर तीन नंबर के लिए आएंगे, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ये पढ़ लिया ना बस खत्म खत्म, ये निपटा देंगे इसको। आ जाओ देखो, चलो यहां पर मैंने लाइन बनाई क्योंकि थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, ठीक है। चलो यहां पर मैंने लिखा हाल, देखो याद कीजिए हमने एक नंबर वाले इसको कैसे बनाया था, एक नंबर में जब पूछा गया था तो कैसे बनाए थे, तो दिए गए बहुपद की तुलना हम मानक बहुपद से करते थे, तो ए बी और सी का मान निकलता था। आ जाओ तो हम अब इसको ओरल नहीं करेंगे, जो हमने वहां पर ओरल किया था अब उसको यहां पर हम लिखने जा रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, दिए गए बहुपद की तुलना, देखो दिए गए बहुपद की तुलना, दिए गए बहुपद की तुलना किससे करेंगे, बहुपद, मानक बहुपद, मानक बहुपद या फिर बहुपद बोल सकते हैं, वो क्या है, चलो इसको दूसरे कलर की खूबसूरती के साथ आपको दिखाता हूं। ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, से करने पर, से करने पर, से करने पर, तो तुलना करते हैं तो हमें क्या क्या मिलते हैं, हमें ए बी सी का मान मिलता है करने पर। चलो तो अब आपका पूरा फोकस कहां होना चाहिए भैया, कहां होना चाहिए, दिए गए बहुपद और मानक बहुपद पर होना चाहिए। तो ए एक्स देखो यहां पर ये ऋण का चिन्ह नहीं है, यहां पर इस ऋण, ये ऋण का चिन्ह नहीं है, ये कीजिए के साथ लगा हुआ है, ये ऋण चिन्ह को आपको ध्यान नहीं देना, ऋण चिन्ह मत समझ जाना इसको, ऋण चिन्ह नहीं है ये, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं मतलब कि एक होता है, गुणांक नहीं लिखा गया है, मतलब कि गुणांक एक है, गुणांक एक को हम लिखते नहीं है। चलो इसके पहला पद ये है और इसका पहला पद ये है, एक्स स्क्वायर यहां पर है, एक्स स्क्वायर यहां पर है, एक ही जगह यहां पर आपको दिख जाएगा एक, फिर से वही गलती, ऋण एक नहीं करना है क्योंकि जो ऋण है वो कीजिए का है, मतलब कीजिए के साथ लगा हुआ डेस है वो, ठीक है। तो ए बराबर हो चुका एक, बी बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे वाले पद की बारी, एक से यहां पर है, एक से यहां पर है, तो बी की जगह क्या बैठा हुआ है दस, तो बी बराबर हो चुका दस, सी, सी की जगह यहां पर क्या दिख रहा है आपको चौबीस दिख रहा है, तो सी बराबर हो चुका चौबीस, ए बी सी का मान निकाल लिया, मतलब कि आपने अपना 80% काम कर लिया, 20% और लिखना है। हमें निकालना था शून्यकों का योगफल और गुणनफल, आ जाओ अतः शून्यकों का योगफल पूरा लिखेंगे, पूरी बात लिखेंगे, ठीक है। अतः शून्यकों का, अतः शून्यकों का योगफल, और इसका फॉर्मूला मैंने आपको एक नंबर वाले क्वेश्चन पर ही बता दिया था, क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। चलिए सबकी वैल्यूज रखते जाइए, माइनस है तो माइनस को पहले मैंने लिखा, बी, बी की वैल्यू क्या है चलो बताओ, दस है, बटे में क्या आ जाएगा एक है, क्योंकि ए का मान क्या है एक है, तो योगफल अगर मैंने निकाला तो मुझे मिला ऋण दस, क्योंकि बटे को एक को लिखने की जरूरत नहीं होती है, अतः शून्यकों का योगफल हमें क्या मिल चुका, ऋण दस मिल चुका है। इसी प्रकार से अब हम ज्ञात करने वाले हैं क्या, शून्यकों का गुणनफल तथा शून्यकों का गुणनफल, अब मैं निकालूंगा तथा शून्यकों का गुणनफल, चलो
शून्यकों का गुणनफल हम कैसे निकालेंगे? तो ये होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए होता है, सी बटा ए होता है। सी की वैल्यू क्या दी गई है, हमने निकाला हुआ था सी बराबर कहां गया, ये 24। ए का मान बता दो मुझे, ए का मान को बता दो मुझे, ए का मान है क्या, एक है। तो एक को लिखने की जरूरत तो होती नहीं है, तो अतः हमें क्या मिला, शून्यकों का गुणनफल बराबर मिल गया 24। अब इतना कर लेने के बाद आपको उत्तर मिल चुका है, तो उस उत्तर को एक लाइन लिखने में दिक्कत क्या है, नहीं दिक्कत क्या है, आओ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। तो हम यहां पर लिखेंगे अतः शून्यकों का योगफल, अतः शून्यकों का योगफल बराबर क्या मिला था, ऋण 10 व शून्यकों का गुणनफल, वह गुणनफल यहीं पर लिख देता हूं, गुणनफल बराबर क्या मिला, 24 है। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। इस प्रकार से अगर आप अपने एग्जाम हॉल में लिखते हो तो पूरा में पूरा नंबर मिलने वाला। ऐसे राइटिंग बना के लिखोगे, रिप्रेजेंट अच्छे से करोगे ना, हर एक स्टेप को फॉलो करोगे, तो पूरा में पूरा नंबर आपको मिलने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 3 तक मैंने समझा दिया, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, इस प्रकार के क्वेश्चन को भी मैंने आपको एक नंबर वाले क्वेश्चन पर सॉल्व करा दिया गया था, जहां पर बोला गया है यदि बहुपद p ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ - 5x+4 हो तो p ऑफ 2, याद आया p ऑफ 3 का मैंने मान निकलवाया था एक नंबर वाले में। यहां पर दो चीज हमें निकालना है, p ऑफ 2 निकालना है, साथ ही साथ p ऑफ 0 के मान ज्ञात करना है, दो बार ज्ञात करना है, एक बार p ऑफ 2 और एक बार p ऑफ 3। कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आराम से निकाल देंगे इसको। तो करेंगे क्या, अब मुद्दा यह है कि हम करेंगे क्या, अपना काम करेंगे, ये हो जाएगा हल। हम क्या करेंगे, पहले तो ना दिए गए बहुपद को एक बार मैं लिखना चाहूंगा, तो यहां पर आपको लिख देना है, क्या लिख देना है, दिया है बहुपद, चलो एक लाइन लिख दिया मैंने, दिया है बहुपद। तो दिया है बहुपद p ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया, चलो बोलो, ये दिया गया है 2x³ - 5x+4, ये हमें बहुपद दिया गया है, हमें निकालना है p ऑफ 2, क्या निकालना है, p ऑफ 2 निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, देखो ये हो जाएगा, क्या करेंगे, दिए गए बहुपद में ठीक है, दिए गए बहुपद में, खैर लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दिए गए बहुपद में x बराबर क्या चिपकाएंगे, 2 चिपकाएंगे, तो x = 2 रखने पर रख दो, आ जाओ रख देते हैं, तो ये हो जाएगा p ऑफ 2, ये है हमारा दिया गया बहुपद, तो x की जगह मैंने रखा 2, अब बराबर 2 को मैंने लिखा, फिर x की घात में क्या है, 3 है, तो x का मान हमें रखना है 2, फिर घात में लग जाएगा 3 - 5, x की जगह रखना है आपको 2, फिर धन में 4 दिया गया, धन 4 मैंने रख दिया। इसको पहले सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, 2 की घात 3 है मतलब कि 8, 2 का 2 से ही करेंगे 3 बार गुणा, न कि 2 का 3 से गुणा, ठीक। तो ये हो गया 8 का गुणा करेंगे किससे, करेंगे 2 से करेंगे, तो 8 दुनी हो जाएगा ये 16, माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस है यहां पर और यहां पर प्लस है, तो माइनस और प्लस का गुणा प्लस, सॉरी माइनस, 5 दूनी हो जाएगा 10, ठीक है, ये हो जाएगा धन 4, पहले प्लस वाले को जोड़ देते ना, तो 16 और 4 ये हो जाएगा 20 - 10, तो 20 में अगर हम 10 को घटाएंगे तो मुझे मिल जाएगा 10, तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू मिल चुका 10, p ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या मिल चुका, 10 मिल चुका, 10 मिल चुका। इसी प्रकार से हम p ऑफ 0 का मान निकालने वाले हैं, फिर मैं लिखूंगा पुनः दिए गए बहुपद में, चलो फास्ट करते हैं, पुनः दिए गए बहुपद में क्या रखेंगे, इस बार मैं रखने जा रहा हूं x = 0 रखने पर, चलो अब हमें 0 चिपकाना है, चिपका देंगे, ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा p ऑफ 0, ये है हमारा दिया गया बहुपद जहां पर मैं x की जगह 0 रखने वाला हूं, तो ये हो जाएगा 2, x की जगह रखना है 0, तो 0 की घात में लग जाएगा 3 - 5, यहां पर x की जगह रखना है 0, प्लस में हो जाएगा ये 4, तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 की घात 3 करेंगे तो 0 मिलेगा, और उस 0 का गुणा करेंगे 2 से तो 0 ही मिलेगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर 5 का गुणा करेंगे 0 से तो 0 से गुणा होगा तो 0 ही मिलेगा, इस वाले पद को भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो अंतिम में बच क्या आ जाता है, केवल 4, क्या बच गया, केवल 4, तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या मिला, 4 मिल चुका। बस लास्ट लाइन में अपने उत्तर को लिखने की जरूरत है, लिख देंगे, इतना काम कर लिया है तो इसको लिखने में क्या दिक्कत है। अतः p ऑफ 2,
अतः पी ऑफ 2 इज इक्वल टू हमें मिला 10 व पी ऑफ 0 इज इक्वल टू मिला 4। ये है हमारा आंसर, ये है हमारा लास्ट लाइन फाइनल आंसर, और इसमें पूरे में पूरा अंक आपको मिलने वाला है। एक नंबर कोई काट के दिखाए, कोई नहीं काट पाएगा, पूरे में पूरा नंबर मिल जाएगा, चाहे वो 2 नंबर के लिए पूछे चाहे वो 3 नंबर के लिए पूछे। चलिए अब मैं बढ़ूंगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्रश्न क्रमांक 5 पर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 क्या दिया गया है, शून्यक ऋण 18 12 के बहुपद के गुणनखंड लिखिए। बहुत, अरे पूछो मत, कितना सरल है ये, बोलना भी बेकार है, इतना इजी है ये। चलो क्या करेंगे, एक बार जो दिया गया बहुपद है ना, सॉरी शून्यक, उसको मैं लिख लूंगा। तो दिया गया शून्यक है, तो दिया है शून्यक, दिया है, चलो शून्यक को एक बार मैं लिख लेना चाहता हूं। चलो लिख लेते हैं, दिया है शून्यक, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ब्रैकेट में दिया तो ऋण 18 और ये 12, ऋण 18 और ये 12, ये हमें दिया गया है। हमें निकालना क्या है, गुणनखंड लिखना है। तो मैं क्या करता हूं पता है, मैं मान लेता हूं, क्या मानूंगा, मैं पहले वाले शून्य को अल्फा मान लेता हूं, अल्फा बराबर ऋण 18, और दूसरे वाले शून्य को मैं मान लेता हूं बीटा। अल्फा और बीटा मानने से हमें फायदा क्या मिलेगा, सर आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ये आपको अभी पता चल जाएगा। अतः बहुपद के गुणनखंड, अतः बहुपद के गुणनखंड, देख लीजिए अब मैं गुणनखंड लिखने जा रहा हूं, अतः बहुपद के गुणनखंड, गुणनखंड। चलो अब इसको कैसे लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं बराबर करके एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अल्फा और बीटा का मान बस लिखना है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। ब्रेकेट पहले लगाया, एक्स लिखा माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी माइनस 18 है, ऋण 18 है, और यहां पर भी माइनस है, तो माइनस और माइनस का दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा धन। कहां से धन आया मैंने बता दिया, फिर ये 18 को लिख दो, ये हो जाएगा 18, फिर इनटू है, फिर ब्रैकेट है एक से माइनस, फिर बीटा, बीटा का मान क्या है 12, 12 लिखा मैंने, और ये है आपका फाइनल आंसर। इतना सरल क्वेश्चन भाई, बताओ कुछ नहीं है ये क्वेश्चन जो हुआ है वो आपको एक नंबर में भी देखने के लिए मिल सकता है, चाहे वो एक नंबर पूछे, दोनों में पूछे, या फिर तीन नंबर पूछे, जैसा पूछे वैसे उसको आंसर देना है। तो प्रश्न क्रमांक 5 को भी मैंने सॉल्व करा दिया, और कुछ क्वेश्चन है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो 2 नंबर के लिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कितने हुए, 5 क्वेश्चन हुए, ये 5 ही क्वेश्चन पढ़ना है, 5 क्वेश्चन पढ़ लिए अगर आपने, तो इसी से संबंधित आपको कितने भी क्वेश्चन देंगे आप इसको इजिली सॉल्व कर लोगे, बहुत ईजी है। अगर कई बच्चों को लगता है बच्चों की मेरा जो बेसिक्स है बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है, आप बहुत स्पीड पढ़ा रहे हो, तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा बच्चों कि आप लोगों की तैयारी के लिए मैं आया हुआ, एग्जाम की तैयारी के लिए आया हुआ, तो हर चीज हम एकदम बेसिक से नहीं पढ़ सकते। अगर आपको एकदम बेसिक से पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, अगर आपको लगता है कि मेरा सर बेसिक एकदम कमजोर है, मुझे हर चीज एकदम पढ़ा दो करके, तो बच्चों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लो। एप्लीकेशन को ज्वाइन करने का तरीका क्या है, गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, वहां पर अभिप्सा ऐप को सर्च करेंगे, और वहां से डाउनलोड करके, अभिप्सा ऐप को डाउनलोड करके आप सारे अध्याय को एकदम क्रम से पढ़ सकते हैं बिना किसी रुकावट के। साथ ही साथ आपको माइंड मैप जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन, साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है, तो वहां पर बहुत सारे फायदा है। मैं एक बार कहना चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल वहां पर ज्वाइन करो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों तक बिल्कुल शेयर कीजिए। हम मिलेंगे अपने तीसरे वाले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।